आज सबसे पहले इधर मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये वाला है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जिसको मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब मुझे दूरी पे जाना 6 मीटर पे, लेकिन मैं क्या करूँगा, एक रैंडमली जाऊँगा आगे पॉइंट, जैसे मुझे रोड एकदम स्ट्रेट मिली है यहाँ पर आगे जैसे टूटा हुआ है इधर, ऐसे मैं मार्किंग करूँगा, एक जाऊँगा सीधे स्ट्रेट रैंडमली जाके एक पॉइंट मार्क करके रोड के सहारे एकदम आगे चलता रहे अभी कर दे मार्क एकदम रोड के सहारे करना, लगा हुआ रोड के हाँ रोड से टच करके। ये हुआ मेरे पास रेफरेंस पॉइंट। अब इन दो रेफरेंस पॉइंट की मदद से मैं ये वाला रेफरेंस पॉइंट निकालूंगा अपना, ये वाला ये रैंडम क्या है यहाँ से मैं कह रहा हूँ टेप लगाओ यहाँ पे, टेप लगाओ 0 और टेप को लेकर जाओ रैंडमली आगे सीधा। बीच में कोई एक जन जाएगा 6 मीटर में मार्क करेगा। और एक बात का ध्यान रखना, जो रेड कलर से टेप दिखाई दे रहा है ये है मेरा कौन सा टेप, जो रेड कलर दिखाई दे रहा है 8 इंचेस वाला, और ब्लैक वाला है मेरा मीटर है वाला। तो 6 मीटर पे जाके मार्क करेंगे एक पॉइंट, यहाँ 6 मीटर पे मार्क करो 6 मीटर। इसने कर दिया 6 मीटर में मार्क। देखें पकड़ो इसको, अब जरा चेक करते हैं ये, जैसे इसने पकड़ा हुआ है टॉप सरफेस पे, ऐसी एक जन जाएगा टॉप सरफेस पे पकड़ो वहां पर, ये पॉइंट जो मैंने बीच में डलवाया यहाँ पर पॉइंट, ये जो पॉइंट आया बीच में, ये पॉइंट कैसा होना चाहिए, इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब जब मैं इससे फ्री फॉल करा रहा हूँ तो परपेंडिकुलर टाइट करे एकदम खींच, ऊपर पकड़ टॉप सरफेस पे, इसकी टॉप सरफेस पे रख टॉप पर, ठीक है होना चाहिए फ्री फॉल। देख लो कहाँ पे आ रहा है पॉइंट, ये मेरा ये पॉइंट इन दोनों के रेफरेंस में वाला पॉइंट नहीं है मेरा, दिखाओ उधर देखो इधर, ये मेरा पॉइंट 6 मीटर, मैं कोशिश करूंगा परपेंडिकुलर आए क्योंकि परपेंडिकुलर पॉइंट ही मेरा सीधा होगा इन दोनों के रेफरेंस में, तो मैंने ये लिया 6 मीटर पे और यहाँ टाइट एकदम, ये 6 मीटर पे लिया मैंने और यहाँ पे कर दिया मार्क। अब देखता हूँ यहाँ पे 6 मीटर एकदम, और इस पे क्या है पूरा परपेंडिकुलर है मेरा, ये 2 पॉइंट हो गए मेरे रेफरेंस, 2 पॉइंट हो गए डेड, निकाल दो उस पॉइंट को निकाल दो। अब क्या करना है मुझको, आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट आ गए मेरे पास। अब देखो करना क्या है, मेरा ओरिएंटेशन ड्राइंग का जो ओरिएंटेशन है वो ऐसे है, मुझे इस तरफ आगे जाना है, जिस तरफ आगे जाना है अपना, आ जाएगा छोड़ दो उसको नीचे छोड़ दो आ जाओ, ये मेरा ड्राइंग का ओरिएंटेशन। अब जब ऐसे देख रहा हूँ तो मेरे लिए ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस, ये मेरे लिए बेस, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर। मैंने उस पॉइंट को माना अपना 0, उस पॉइंट को मान रहा हूँ मैं अपना 0। 0 मानने के बाद ये वाला पॉइंट मेरा आगे गया सीधा, तो मैंने 6 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर डेट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर डेट इज 7.21 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7.21। तो यहाँ पे हमें इमेजिन करना है कि मेरा टेप 0 जाएगा, 0 रख वहाँ पर टेप को, मुझे इमेजिन कर 0 अंदर डाल दो, अंदर डाल के आ जा, मुझे इमेजिन करना है कि मेरा टेप ऐसे जा रहा है 7.21 उधर और वहाँ से 4 मीटर इधर आ रहा है, कितना हो गया 11.21, क्योंकि 7.21 + 4 अभी मत लेके जा रुक जाना 11.21 रख दे नीचे रख दे 11.21। तो मैं 0 यहाँ पकड़वाऊंगा, 11.21 यहाँ पकड़वाऊंगा, सीधे यहाँ नहीं जाना मुझे क्योंकि 4 मीटर यदि मैं ऐसे मार्क करूँ तो 4 मीटर इस साइड भी आ सकता है, 4 मीटर इस साइड भी आ सकता है, सीधा जब भी आएगा जब मेरा 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनाना हमें एक काम है। यहाँ पे एक जन पकड़ो 11.21, जब तक नहीं जाना आगे जब तक यहाँ पे फिक्स ना हो जाए, एक 0 फिक्स करना है, एक लास्ट पॉइंट फिक्स करना है, उससे पहले आगे नहीं जाएंगे। 11.21 मतलब 11 मीटर 21 सेंटीमीटर। वेट इसको यहीं रख दे नीचे, इसको यहीं छोड़ दे, इससे लिया मैंने 11.1 11 मीटर 21 सेंटीमीटर डेट इज 11.21। मैंने यहाँ लिया 11.21 और उस पॉइंट पे लिया कितना 0। देखो इस पॉइंट पे लिया मैंने कितना 0, ये वाला पॉइंट मेरा 0 मार्क कर दिया।
अब वहां मार्क कर दिया 11.21। 11.21 कैसा है? डायगोनल प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड 11.21। अब टेप को बीच में से उठाऊंगा, यहां से मैंने बीच में से टेप को उठाया, जब ये दोनों पॉइंट फिक्स हो गए तब, ठीक है। एक नेल लेके आओ, नेल और हैमर। अब मैं इधर आया और इधर मार्क करना है मुझे कितना, 7.21। 7 मीटर 21 सेंटीमीटर, दैट इज 7.21। मैंने यहाँ लिया, एक नेल लिया। अब देखो करता क्या हूँ, इधर आ जाओ। अब जो आपकी पोजीशन है, ऐसी पोजीशन होनी चाहिए आपको, वो भी दिखे और वो भी दिखे, क्योंकि सेम इंटेंसिटी सेम फोर्स के साथ हमें यहाँ पे काम करना। तो मैंने यहाँ पे 7.21 लिया, दो उंगली ऊपर नेल में और बीच में रहेगा टेप और दो उंगली नीचे, दिख रहा है आपको 7.21। अब देखो इसको यहाँ पे लगाया, अब मैं इसको लॉक करना है। देखो लॉक कब होगा, जैसे मान लो ये ऐसे कर रहा है मूव, ये लॉक नहीं है मेरा, मुझको इतना लॉक करना है कि मूव ना कर पाऊँ हाथ को। जब मेरा हाथ भी मूव नहीं होगा तब मेरा लॉक हो रहा है पानी, लेकिन ऐसे कर रहा हूँ तो ये मूव हो पा रहा है इजीली। मुझको यहाँ पे पहले ऊपर देखना है मूव लॉक करके, इसको यहाँ पर लॉक है या नहीं, फिर उसी फोर्स के नीचे आना है। नीचे आके यहाँ भी चेक करना है क्या ये ढीला तो नहीं हो गया, सेम वही फोर्स लगाना है पीछे के साइड, और पीछे कब लगा था दोनों पॉइंट मुझको ये दिखाई देंगे, इतना फोर्स लगाना है वो हिलने में मजबूर हो जाए, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे करके मार्क लगा दे नहीं आएगा पॉइंट। अच्छा मैंने यहाँ लिया और देखो उसके बाद यहाँ पे सेम इंटेंसिटी, ये मेरा पॉइंट सेम इंटेंसिटी है, इसको नीचे रख दिया हैमर को, सेम इंटेंसिटी का क्या किया यहाँ पे लॉक किया, लॉक करने का मूव नहीं कर पा रहा मैं, सेम इसकी सेम इंटेंसिटी, ढीला नहीं करना है बिल्कुल भी, सेम इंटेंसिटी का नीचे आकर यहाँ पर कर देना है मार्क, थोड़ा सा अंदर जाएगा ये, आपको इसको वही फोर्स के साथ पकड़ना है, उसके बोलते ना ढीला कर दिया, जो खींचेगा तो ये आगे जाता जाएगा, ढीला कर बिल्कुल ढीला, और देखो मैंने छोड़ा नहीं था इसको, ठीक है। यहाँ पे लिया इसको और अंदर कर दिया हैमर। अब यहाँ से चेक करता हूँ मेरा अपना, ठीक है 7.21, उससे पूछूंगा ठीक है क्या, चेक कर, परफेक्ट ठीक है 11.21। आगे चलते हैं, आगे आएंगे, अब वो अपनी जगह पे रहेगा, वो अपनी जगह पे रहेगा। अब मैं जाऊँगा उस साइड जाके कितने मार्क करूंगा मैं, 4 मीटर। सॉरी उठाओ एक नेल, एक डायगनल, ये हुआ डायगनल, उधर रहेगा परपेंडिकुलर, एक डायगनल मार्क होगा और एक मेरा परपेंडिकुलर। ये मैंने लिया यहाँ पर कितना, 4 मीटर पे, सर वहाँ पे टाइट भाई सेम पॉइंट, ये 4 मीटर यहाँ पर, ये मेरा 4 मीटर भाई सेम, दो उंगली ऊपर दो उंगली नीचे, ठीक है तेरा, ये हिला रहा हूँ लॉक नहीं हुआ अभी, यहाँ पे लिया लॉक मिल पा रहा हूँ। मैंने वही सेम फोर्स के साथ इसको नीचे जाकर चेक किया, दोनों पॉइंट दिखने चाहिए, ये वाला भी और वो वाला भी, दोनों पॉइंट यहाँ पे लिया 4 मीटर पे और इसको नीचे लिया मार्क किया, तो मार्क करने के बाद यहाँ पर कर रहा हूँ मैं ढीला छोड़। हेलो आप कितनी बात को समझे, एक बार में ढीला कर दो, यहाँ मैंने चेक किया मेरा 4 मीटर अपना चेक कर, ठीक है यहाँ पे चेक करता हूँ मेरा 4 मीटर है, यहाँ से आप इसको वहाँ पर लगाओ जीरो, जीरो को वहां पे लगा दो, मतलब पूरा चेक करना है आपको, क्रॉस चेक, जीरो लगाओ उसको, जीरो लगाओ यहाँ पर 6 मीटर, ये मेरे आगे यहाँ पर पॉइंट एकदम क्लियर।